सुबह के 4 बजे जी, और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही अंदर, इसलिए भाई बाहर जा रहा हूँ सोने के लिए। तो भाई यहाँ पे सोते हैं, कोशिश करते हैं सोने की और आपसे सुबह मिलते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो भाई सुबह के 11 बज रहे हैं और अब जाके मेरी नींद पूरी हुई है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा मॉर्निंग में सोया था 4 बजे, तो अब जाके मेरी पूरी नींद हुई है। आजकल ना बताए लॉकडाउन की वजह से कुछ शेड्यूल ख़राब हो चुका है मेरा सोने का, रात में नींद बहुत कम आती है। मैं जा रहा हूँ शॉप पे, एक तो साबुन ख़त्म हो चुका है नहाने का, तो उसको लेते हैं और घर जाके फिर नहाते हैं। अभी पापा भी घर पे हैं तो पापा को भी नहाना है, पहले जाते हैं शॉप पे और साबुन लेके आते हैं। हेलो जी, एक दुकानदार साहब बीड़ी पीते हुए, एक साबुन दें आओ। साबुन तो साबुन होता है नहाने का, कैसा कैसे होता है? कौन सा ब्रांड है आपके पास? कितने वाला? 30 रुपए की थी। ये दे दो एक। क्या सुन रहे हैं? भाई टेबल हिल गया। तो भाई साबुन तो मिल चुका है, 5 4 get 1 free, बट हमें एक ही चाहिए था, इसलिए हम एक ही लाए, एक से ही गुजारा हो जाता है। और आजकल भाई ये पहाड़ी फेक प्रैंक कॉल बहुत चल रहे हैं। एक दो वीडियोस देखे मतलब ठीक है, अच्छे हैं, जो मतलब बैंड बाजा वाला कॉल किया वो टिको की बैंड बाजे के लिए भाई था कुछ ऐसा, बट अच्छा है। उन्होंने पता नहीं कैसे काटा उसमें से पूरा से, ये फट ही चुका है, बट कोई बात नहीं, वैसे भी हमें यूज़ ही करना था। और चलते हैं इससे पहले कि खाने वाली नौबत आ जाए पापा से। ये लो नाओ, देखो पापा की हालत, बनाना और कच्चे में। देखो बड़ों की तो यही याद है कि घर जब भी गर्मी आती है ना तो आए वही आग किसने जला दी भाई, इतना सांस फूल रही है, किसने नीचे आग जला दी और पूरा घर मतलब धुएं से भर चुका है अभी। और भाई जब मैं कह रहा था आजकल गर्मी है तो ऑब्वियसली मतलब बनाना और कच्चे में घूमते हैं, मैं तो नहीं घूमता लेकिन पापा घूमते हैं पूरे घर में, सिर्फ अकेले पापा हैं। तो पापा को नहाने देते हैं, उसके बाद मैं नहाऊंगा, फिर खाना खाएंगे क्योंकि अभी तक खाना भी नहीं खाया, ब्रेक लंच करेंगे। दादा क्या कर रहे हैं आज? दादे की चली हुई खबरें, इनको कोई और काम नहीं है बस खबरों के अलावा, बेले इंसान। ऐसे मुझे भी कोई काम नहीं है आज, मैं भी आज बेला हूँ, मैं तो इतना बेला हूँ कि मतलब मैं बता नहीं सकता कितना बेला हूँ मैं। मुझसे ज़्यादा बेला इंसान ना इस दुनिया में कोई नहीं होगा, कोई काम ही नहीं है मेरे पास करने को ब्लॉगिंग के अलावा। बाहर एनिमल शेल्टर की तरफ थोड़ी हवा खाते हैं, वहाँ पर ना हवा अच्छी चलती है जहाँ पे हम रात को सोए थे। तो ये है भाई अपना एनिमल शेल्टर और यहाँ पर मैं सोया था, और भाई यहाँ पर नींद तो बहुत अच्छी आई थी, लेकिन जो मच्छरों ने पार्टे किए ना उन्होंने सोने नहीं दिया। मच्छरों को मेरा खून बहुत पसंद आता है, मुझे सुबह सुबह को ये 7 बजे उठ के यहाँ से जाना पड़ा अंदर। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, बैठ के ना मज़ा आ जाता है कसम से, एकदम पूरी एयर कंडीशनर, नेचुरल एयर कंडीशनर वाली फीलिंग आती है। अब थोड़ी देर में हवा को थोड़ा खाता हूँ यहाँ पे और उसके बाद जाएंगे नहाएंगे। पापा तो नहा चुके, अब हमारी बारी है नहाने की, तो हम भी नहा लेते हैं। पापा तैयार हो चुके हैं जाने के लिए और मैं भी नहा चुका हूँ, और अब थोड़े बाल को संवारते हैं और फिर खाना खाते हैं। और मेरे बाल भी काफ़ी लंबे हो चुके हैं, इनको भी कटवाना पड़ेगा, आज शुक्रवार है तो उनको भी कटवा के आए आज के आए, क्योंकि अब संवरते नहीं ये भी अच्छे से। तो सबसे पहले खाना खाते हैं फिर चलते हैं बाल कटवाने के लिए, क्योंकि हमारे पास और कोई काम ही नहीं है, बेल इंसान है हम। चलो आ जाओ। वैसे अम्मा भी घर में नहीं, हम अभी घास लाने के लिए गई, उनको फ़ोन करके पूछूंगा कि मेरी ज़रूरत है, तो उनको भी फ़ोन करके पूछ लेता हूँ मैं, और फिर देखते हैं कि बाल कटवाने जाते हैं या घास लाने जाते हैं पशुओं के लिए। तो भाई साहब आज है खाने में सलाकड़ा, सुना है नाम सलाकड़े की सब्जी, तो ये सलाकड़ा भाई, और पानी ले लिया जल्दबाजी के चक्कर में, ये नीचे गिर गया मैं उससे पानी थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं खाते हैं। और तो गाइस अभी फ़ोन करके पूछा था अम्मा से कि कहाँ हैं आप, तो अम्मा ने बताया कि मैं आज घास लाने नहीं गई थी खेतों में, मैं खेतों में सफाई करने गई थी, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं लोवा करने, हिंदी में समझ लो आप मतलब खेतों की साफ़ सफाई करने। तो
चलते हैं बाल कटवाने के लिए। और भाई गर्मी इतनी है कि रिकॉर्डिंग करता हूँ फ़ोन से तो फ़ोन भी गर्म हो जाता है, और ऊपर से मैंने खाना खा लिया लेकिन मेरा वो एक फुल्का खाया मैंने सिर्फ, लेकिन एक फुल्का ना मेरे पेट में कूद रहा है बहुत ज़ोरों से। तो मैं आता हूँ जरा उसको शांत करवा के आता हूँ, तब तक मैं फ़ोन को फ्रिज में डालने वाला हूँ, ये भी गर्म हो चुका है, जब तक मैं आऊँगा तो ये ठंडा हो जाएगा। जुगाड़ भाई यही जुगाड़ करने पड़ते। तो भैया अम्मा ने डांट लगा दिया कमीज के लिए कि गंदी हो रही है, कहाँ जा रहा है बाजार ऐसे। रोटी खा लेते हैं? हाँ खाना खा लिया मैंने, खा लिया तो अम्मा अभी खेतों से आई तो अम्मा भी खाना वाना खाएगी, और हम चलते हैं टी शर्ट चेंज करते हैं और फिर चलते हैं बाजार। तो गाइस टी शर्ट चेंज कर लिया, अब चलते हैं बाल कटवाने के लिए। तब से बोल रहा हूँ बाल कटवाने के लिए जा नहीं पा रहा भाई, मैं इतना भुलक्कड़ इंसान हूँ ना, जा रहा हूँ बाल कटवाने और पैसे नहीं डाले जेब में, मेरा पता नहीं क्या होगा, मैं चीज़ें भूल जा। तो भाई अभी पहुँचे हैं और यहाँ पे चलिए अंकल जी की मेहंदी की रस्म, बालों के लिए हमारी बारिश के बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस हमारी बारी आ चुकी है, मैं सिंपल कटिंग करवाने वाला हूँ, कोई ज़्यादा फैंसी नहीं, भाई नॉर्मल से ठीक है, और एक बार लास्ट बार देख लो मुझे दाढ़ी के साथ और लंबे बालों के साथ, बताना मुझे कमेंट करके कि ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता हूँ या बिना दाढ़ी के, ठीक है। हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है दाढ़ी, तो बताओ मुझे पहले अच्छा लग रहा था कि अब अच्छा लग रहा था, और भाई को थैंक यू सो मच, भाई को पेमेंट करते हैं और चलते हैं बाज़ार में। कहें तो भाई ऑब्वियसली गन्ने का जूस पी के ही जाएंगे, पिछली बार तो मिलन था लेकिन आज हमारा पोपट नहीं होगा, आज हम पी के जाएंगे। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, यहाँ पे ट्रक अट चुका है, हम चलते हैं यार मतलब गन्ने का जूस पी के आते हैं, और सीट भी गर्म हो चुकी है भाई कितनी की, पहले ऐसा लगता है जैसे फ्राई कर रहा हूँ। फाइनली गाइस आज मन की मुराद पूरी हो चुकी है, गन्ने का जूस हमें आज मिल जाएगा। ये रहे हमारे चाचू जी, गांव के हैं अपने, और ये रहा इनका स्टॉल। भाई एक तो साउंड बहुत आती है इंजन की वीडियो में, तो हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं, साइड में चलो साइड में साइड में। तो गाइस पीते हैं एक गिलास एक या दो गन्ने का जूस, बट आई लव गन्ने का जूस। एक तो भाई डिस्पोजल ग्लास में ना बड़ी दिक्कत होती है, ऐसे पिचक जाता है ऐसे ऐसे, अभी ये गिरने वाला था पूरा जूस, इसलिए मैंने नीचे से पकड़ा है इसको, इधर इसको पीते हैं ना इससे पहले कि ये गर्म ज़्यादा, क्योंकि गन्ने का जूस ज़्यादा टिकता नहीं है टाइम के लिए, ख़राब होने लगता है, और पीते हैं और फिर चलते हैं घर। जय माहिष्मते, पावर आती है इसको पीने के बाद। साफ सफाई रखो अपने आसपास। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं और आ चुके हैं हम बाल कटवा के, दाढ़ी बनवा के और जूस पी के, बट भाई मेरे को ना दर्द हो रहा है मूछ पे, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कट लग चुका है ब्लेड का, बट कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा इसमें वैसलीन लगाते हैं और ठीक हो जाएगा। तो चलो नहाते हैं पहले और फिर आगे के काम देखते हैं।